Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत करती हाँ। अज सिरसा दी जिला पार्षद वार्ड नंबर 5 तो बहन सुनीता अज सुनीता ने अज अपने पद तो अस्तीफा दे के किसानां दे समर्थन दे विच हाँ नाल हाँ मिलाई है। जिवें कि तुहानू सीधियां लाइव तस्वीरां दिखा रहे हाँ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद दे नारे लग रहे हैं। सुनीता मैडम दे की विचार हन, करवाने हाँ उन्हां दे नाल गलबात दे जानदे हाँ पूरा मामला। सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसानों के खिलाफ, तो उसके खिलाफ हैं क्योंकि ये जो किसानों के हित में नहीं है। और हम आज जो जिला पार्षद पद से इस्तीफा दे रहे हैं किसानों के समर्थन में, कल हम दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो किसान भाई है कब से कितने महीनों से लगातार जो इनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कल उनके साथ जा रहे हैं। और जो गरीब जनता से लेकर जितने भी, मैं तो कहती हूँ कि भी जितने भी लोग हैं वो किसानों का साथ दे, अगर किसान नहीं होंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा। जो किसान भाई हमारे लिए आज कुछ इतना कर रहे हैं कि हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो मैं आज जो भी लोग हमारी जो बातें सुन रहे हैं, क्योंकि वैसे तो लगभग सभी जो किसान है वो जागरूक हो गए हैं, लेकिन जो भी है अपना काम धंधा छोड़ के, मैं तो कहती हूँ कि सभी को किसानों का जो है साथ देना चाहिए और मोदी सरकार ने जो ये 3 कानून बनाए उनको वापस लेना चाहिए। आप पार्षद कौन सी पार्टी से बने थे? वैसे तो हम कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन हमारे जो भाईचारा है उसी के हिसाब से हम जिला पार्षद बने। ठीक है, तो आपके परिवार का आपको पूरा सपोर्ट है? हाँ जी, हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट है। आरसी जोड़, जिला प्रतिनिधि 5 नंबर जोन से जी। जो ये 3 कानून बनाए मोदी सरकार ने, धक्काशाही कानून, ये किसान के बिल्कुल विरोध में है। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी, आज हम तन मन धन से किसानों के साथ हैं और इस्तीफा दे के उसके बाद में दिल्ली जाएंगे। जब तक किसान कानून वापस नहीं लेगी हम वहीं धरने पर बैठेंगे, उनका फुल का समर्थन करेंगे। पिछले लगातार 3 महीने से सिरसा में जो 3 काले कानूनों, बिजली बिल 2020 व पर्यावरण संबंधी कानून में किसानों को दंडित करने के लिए जो भारी भरकम प्रावधान किए गए, उनके विरुद्ध जो जन आंदोलन चल रहा है और यहाँ जो सिरसा में पक्का मोर्चा 6 अक्टूबर से चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री एवं चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा से इस्तीफा मांगने के लिए, आज उस आंदोलन में हम समझते हैं कि ज़िले के संघर्षरत किसानों को बड़ी सफलता मिली है। जब वार्ड नंबर 5 नंबर जोन जिला परिषद से जो पार्षद है बीबी सुनीता रानी, उन्होंने अपना त्याग पत्र इन काले कानूनों के विरोध में तुरंत जिला परिषद की अपनी सीट से दे दिया है। और हम कह सकते हैं कि अब हरियाणा में खट्टड़ सरकार के जो किले हैं उनकी दीवारें भेदने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है इस इस्तीफा ने। एक और जहां देश का किसान लाखों की संख्या में राजधानी में दिल्ली की घेराबंदी किए हुए है इन कानूनों के लिए, और नीचे से ज़िले में से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस ढंग से अपना इस्तीफा देकर इस लड़ाई को और लंबा और तीखा करने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। हम इसका बीबी सुनीता रानी के इस्तीफे का अभिनंदन करते हैं और कामना करते हैं कि जिला भर से हमारे किसान बड़ी संख्या में दिल्ली भी जाएंगे, यहाँ पक्के मोर्चे पर भी पहुँचेंगे और भी जहाँ जहाँ जिस ढंग से किसान ये संघर्ष चला रहे हैं
उनमें शामिल होकर अपनी एकता का परिचय देंगे, क्योंकि अब किसानों के लिए करो या मरो का समय है। इसमें से अब इधर या उधर ये आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे बहन सुनीता जोड़ ने जो फैसला लिया है, अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं, ये तो ये इनका हम स्वागत करते हैं। और जैसे कि सभी को पता है भी, जो ये बीजेपी सरकार है, आज हर वर्ग इससे दुखी है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो। तो जैसे बहन सुनीता ने जो फैसला लिया, ऐसे ही सभी विधायकों को जो उनके साथ समर्थन में बैठे हैं, उनको भी ये फैसला लेना चाहिए और किसानों के बराबर आके बैठना चाहिए। नहीं तो ये जो सभी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग, इन लोगों का इतना बुरा हाल करेंगे कि ये कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए समय रहते हुए ये सभी चेत जाएं तो बहुत ही अच्छा होएगा इनके लिए। धन्यवाद।